नमस्कार, स्नेहा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बाफला भिंडी या स्टीम्ड भिंडी या भाप पे बनी हुई भिंडी। ये ऑयल फ्री है, इसके लिए हमने ये भिंडी ले ली है। इस तरह उसमें हमने ये कट लगा दिया है। इसके अंदर हम मसाला भरेंगे। मसाला भरने के लिए हम एक इस तरह का बाउल ले लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे सारे मसाले। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे नमक। नमक हमने ले लिया है एक चम्मच के करीब। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर दो चम्मच के करीब, लाल मिर्च पाउडर स्वादानुसार, जैसा आप खाते हैं, तीखा खाते हैं तो तीखा, नहीं तो कम, हल्दी पाउडर, इन सबको हम मिक्स कर देंगे। अब हम इस तरह से सभी भिंडियों में ये मसाला भर देंगे एक एक करके। इस तरह रखते जाएंगे। अब हम इस तरह से एक कुकर या हंडी ले लेंगे, जिसमें ये कपड़ा आसानी से बांध दिया है। हमने एक रुमाल लिया है, उसको इस तरह से नाट लगा के टाई कर दिया है। इसमें हमने करीब एक ग्लास पानी डाला हुआ है अंदर। इस पॉट को हमने गरम करने के लिए रख दिया है। धीरे धीरे ये पानी गरम हो रहा है। पानी अब गरम हो गया है, इस पर हम इस तरह से भिंडियां रख देंगे। सारी भिंडियां एक एक करके इस प्रकार हम इस पॉट पे रख देंगे। इस तरह हमने सब भिंडियों को ऐसे कपड़े के ऊपर रख दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे प्लेट की सहायता से। ये सारा प्रोसेस हम तेज आंच पे कर रहे हैं। ये रेसिपी ऑयल फ्री है और हमारी माँ ने ही हमें सिखाई थी, आज उनके हाथों के द्वारा ही हम बना रहे हैं। 20 से 25 मिनट तक इस तरह भाप पे रखने के बाद हम इसका ढक्कन खोलेंगे। मुझे भिंडियों का रंग इस तरह बदल गया है और भिंडी थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई है, गल गई है अच्छे से। अब हम इसका स्विच ऑफ कर देंगे। आपकी भाफला भिंडी खाने को तैयार है। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, कृपया कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आप भी बनाइए, खाइए और बताइए कि आपकी कैसी बनी, आपको कैसी लगी। देखिए इस तरह से अच्छे से गल गई है, एकदम सॉफ्ट हो गई है। कृपया आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हमारी ये रेसिपी देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। हमारे माँ के हाथ की रेसिपी भी आप देखिए।